जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी और मां चरण कौर जी को लेकर सामने आई है। हथियारों को लेकर सिद्धू के पेरेंट्स ने ऐसी पोल पट्टी खोलकर रख डाली है 1.25 साल होने पर, जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे कि इतने सालों बाद ये हत्यारा कहाँ छुपकर बैठा था। जी हाँ, एक और हत्यारे की खबर जो है सामने आई है। आगे सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने वीडियो में साफ साफ शब्दों में जो है उस हत्यारे को लेकर जो एक एक जानकारी दी है, दिखाएंगे वो वीडियो और सुनवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको बता दें, सचिन बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद से एक से बढ़कर एक खुलासे, यूं कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के जितने कारनामे हैं उसकी पोल पट्टी जो है सामने आ गई है। जिसके बाद सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जो है सिद्धू मूसेवाले जी के हत्यारे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उन्हें मारना चाहते थे, उन सबका नाम भी सिद्धू के पिता ने बताया है। आगे वो वीडियो हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता दें। एक ऐसा पेंटिंग, एक ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर सबकी आंखें नम कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मैं इसी वीडियो की बात कर रही हूँ। गुलाब की पंखुड़ियों को कूटकर सिद्धू मूसेवाला जी की जो है ये पेंटिंग खूबसूरत सी बनाई गई है। इस पेंटिंग में सिद्धू मूसेवाला जी ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वो जीते जागते पहले दिखाई देते थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही मेहनत और लगन और प्यार के साथ जो है सिद्धू मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि दी है इस पेंटिंग के द्वारा। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह पेंटिंग खूब ज्यादा वायरल हो रही है और पसंद भी किया जा रहा है। आप जरूर बताइएगा कॉमेंट करके ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, फैंस के द्वारा जो ये बनाया गया है। अब आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला जी का एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आपने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में हाथ जोड़ते, माथा टेकते तो देखा ही होगा, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुसलमान भाई जो है नमाज पढ़ रहे थे। अब एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूजा करते हुए नजर आ रहे, पूजा पाठ करवाई जा रही है सिद्धू मूसेवाला जी की तस्वीर के सामने, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं और हवेली बनी हुई है। ये पेंटिंग भी अपने आप में दिल छू लेती है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला जी को इंसाफ दिलवाने के लिए जहां माता पिता स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं फैंस भी लगातार जो है उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ताउम्र तक करते रहेंगे क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला जी के जेन्युइन फैंस हैं। दोस्तों, सचिन बिश्नोई के बाद सिद्धू के पिता ने किन की पोल पट्टी खोलकर रखी है, किस किस का नाम लिया है, सुनिए इस वीडियो में एक एक शब्द उनके की, और वो क्या चाहते हैं सचिन बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद, और कौन कौन से हत्यारे जो है अभी बचे हुए हैं गोल्डी बरार के अलावा, जिनका नाम सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी ने इस वीडियो में इंटरव्यू के दौरान लिया है। आप भी अगर सिद्धू मूसेवाला जी के पिता के इन बातों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय व्यक्त कीजिएगा, साथ ही हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जी जरूर लिखिएगा। सुनिए आखिर सिद्धू के पिताजी का क्या कहना है कातिलों को लेकर। मैं तो देवंत ये गल कह रहा हाँ भी जेल दे विच बैठ के जिहड़े नक्सली चलाउंदे ने सरकार दे मूंह ते चपेड़ है, इहदे नागरिकां दी लुट कर रहे ने, उह 5-5 करोड़ रुपया तो आपदे मूंह नाल कह रहे ने भी असीं कमा रहे हां, ते होर इस तो वड्डी की माड़ी गल कह मैं कहां भी नहीं होनी चाहिए। यह तो सरकार दे पैरलल वह अगराइयां कर रहे हैं, वो जेलों के बह के किसी की हिम्मत नहीं है भी उन्हां तो कोई बंदा फोन फड़ के परे रख दे जा किसी ना संपर्क ना कर दे की कही। मैं तो बड़े दुखी मन ये गल्लां कर रहा, वैसे मेरा करन जी नहीं करता, मैं साल भर हो गया से इन्हां गल्लां नूं बार बार रिपीट कर रहा बेटा। उन्होंने बारे कुछ मैं पुख्ता जी जानकारी तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया तो वेखदा ही हाँ, जिदा कद कोई खबर लगे होंगी है भी ये पाकिस्तान तो है तो है, क्योंकि जिदा की खबर निकल के बाहर आती है उही आप सुनते उ मैं देखदा सारियां नूं।